हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्रैश कोर्स के फिजिक्स के थर्ड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक साइंस बार सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल नोटिफिकेशन को नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ प्रेस कीजिए। आज जो लेक्चर है उसमें अपन कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले, जैसे कि सरफेस टेंशन का पूरा थ्योरी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और आगे अपन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स आ सकते हैं नीट में भी आ सकते हैं और कुछ एमएसटी सीईटी में भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉब्लम्स है इसका जो जो प्रॉब्लम्स मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो सब प्रॉब्लम्स विद थ्योरी मैं ग्रुप पे अपलोड करने वाला हूँ। अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हो चुके हैं हमारे, तो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए। इसके साथ साथ हम केमिस्ट्री और मैथ्स के भी लेक्चर्स इसके बाद आने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे। तो सबसे पहले अपन ने इस चैप्टर में अगर ओवरऑल देखा जाए तो कई सारे फॉर्मूलाज देखा जाए। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है और हर फॉर्मूले में क्या क्या टर्म है ये अगर आपको अच्छे से पता है तो आप क्या कर सकते हैं, इस चैप्टर में एक्सेल कर सकते हैं, ठीक। सो कुछ एग्जांपल अपन देखते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 0.072 न्यूटन पर मीटर, ठीक। फाइंड द वर्टिकल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच अ फ्लोटिंग पिन ऑफ लेंथ 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, ग्रुप में मैं क्वेश्चन भेजूंगा आपको, है ना। क्या क्या दिया है पहले लिख लो आप। सरफेस टेंशन ऑफ वाटर दिया हुआ है 0.072 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। और उन्होंने पूछा है वर्टिकल फोर्स, एक रिंग है ना, किसमें रखे हुई है, वाटर में, तो आपको निकालना है वर्टिकल फोर्स कितना लगेगा सो दैट रिंग विल बी डिटैच फ्रॉम द वाटर, है ना। और उन्होंने ये भी दिया हुआ है, रिंग ले लो तो रिंग का लेंथ जो दिया हुआ है, लेंथ मतलब उसका पूरा का पूरा सर्कमफेरेंस जो दिया हुआ है वो है 2.5 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड आउट द फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच दैट पिन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। सो हाउ विल यू डू, देखो बेटा कैसे करोगे। आपको सरफेस टेंशन दिया हुआ, लेंथ दिया हुआ, तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है पहले खुद से ट्राई कीजिए, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, बाद में तो मैं बताने ही वाला हूँ। ओके, तो सॉल्यूशन, तो सरफेस टेंशन क्या रहता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, कि यहां से फोर्स मेरा आ गया सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। मुझे पता है सरफेस टेंशन कितना है, 0.072 इंटू 2.5 इंटू 10^-2 न्यूटन, क्योंकि यहाँ ये सेंटीमीटर है, इसको मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है बच्चा। तो क्या आएगा, जो भी है उसका मल्टीप्लीकेशन कर लो। ओके, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 72 इंटू 25 इंटू यहाँ पे 10^-5 न्यूटन, तो क्या आएगा बच्चा बताओ, 25 इंटू 2 इज 50 और ये आएगा 180। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 81.8 इंटू 10^-2 न्यूटन, 1.8 इंटू 10^-2 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। इसमें कंसेप्ट कुछ भी नहीं था, बस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, और कुछ नहीं था इस प्रॉब्लम में, है ना। चलो ये प्रॉब्लम लिखा है तो अपन दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, है ना। ओके, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था पहले वाला, और आपके फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं, है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ फिल्म ऑफ सोप सॉल्यूशन इज फॉर्म इन अ मीटर रिंग ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक मीटर रिंग दी हुई है आपको और यहाँ पे ऐसी फिल्म फॉर्म की हुई है, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। फिल्म बोला है मैंने, ठीक, और इसका रेडियस दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, ठीक है। इस रिंग का रेडियस दिया 1 सेंटीमीटर। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ फिल्म इफ द सरफेस टेंशन, अरे कुछ भी नहीं, इन्होंने क्या पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है, सरफेस टेंशन दिया हुआ,
सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ, 0.0035 जूल पर मीटर क्यूब, जूल पर मीटर क्यूब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो जो आपका फॉर्मूला है गणित, आपको पता है सरफेस एनर्जी क्या रहता है, सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया, सरफेस टेंशन पर यूनिट एरिया, तो आपको सरफेस टेंशन पता है, सॉरी सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, ठीक है, तो आपको सरफेस टेंशन पता है, तो आप क्या T into A लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, U, I will get U will be equal to what, सरफेस टेंशन मुझे पता है 0.035 into radius pi r square, pi into 1 square into what is centimeter to meter 10 to the power minus 2 का square 10 to the power minus 4, बस इसको सॉल्व करना है आपको, और कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो 3.14 into, यहाँ पे मैं 3.5 के हिसाब से लिखता हूँ, है ना, तो 3.5 into 3.14 into 10 to the power minus 2 यहाँ पे चला गया, तो ये आएगा 10 to the power minus 6 के फॉर्म में समथिंग, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो आपको आंसर नहीं निकालना पड़ता है कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली, आपको शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा, कैलकुलेशन इसका करते बैठोगे तो बहुत बड़ा बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा आपका। तो इससे अच्छा आप क्या करो, 3.14 into 3.5 आपको पता है 3 into 3 9 के आसपास आएगा, तो 9 point something मतलब 10 के आसपास आएगा इसका आंसर, 10-11 के आसपास, ठीक है। तो इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता देता हूँ आपको, है ना। अच्छा मैंने और एक गलती कर दी शायद यहाँ पे, सही किया सब, अच्छा 2 से मल्टीप्लाई करना था ना, फिल्म है भाई, फिल्म है, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, फिल्म मैंने बोला था जब मैंने आपको बोला था कि एक रेक्टेंगुलर फिल्म ली थी तो वहां पे दो सर्फेसेस फॉर्म होती है, तो यहाँ पे अगर मैंने रिंग लिया है तो दो सर्फेसेस सर्कुलर फॉर्म होगी, बस बात खत्म, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 2.199 × 10⁻⁵ जूल, ये दिया हुआ है इसका आंसर, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन में आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है देख लो, है ना, ईजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको चीजें पता है तो आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। रेनड्रॉप ऑफ डायमीटर 4 mm, है ना, डायमीटर दिया हुआ है रेनड्रॉप का 4 mm, इज अबाउट टू फॉल ऑन अ ग्राउंड, कैलकुलेट द प्रेशर इनसाइड द रेनड्रॉप, ठीक है। एक 4 mm का रेनड्रॉप है, मान लीजिए इसका डायमीटर दिया है उन्होंने 4 mm, और इसका सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, सरफेस टेंशन गिवन है ब्रैकेट में, जैसे 0.072 न्यूटन पर मीटर, ठीक। तो इन्होंने क्या पूछा है, प्रेशर इनसाइड द रेनड्रॉप। अब मैंने क्या बोला था, याद करो जब रेनड्रॉप का मैंने आपको एग्जांपल बताया था, तो प्रेशर इनसाइड जो रहता है माइनस प्रेशर आउटसाइड, इसका डिफरेंस कितना रहता है, 2T/R, बस यही तो सिंपल फॉर्मूला बताया था मैंने। तो मुझे बताओ प्रेशर इनसाइड क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर आउटसाइड प्लस 2T/R। अगर आपको कोई प्रेशर दिया नहीं तो एटमोस्फेरिक स्टैंडर्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर लेना है आपको, और वो रहता है 1.01 × 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो 2 × T बताओ कितना है, 0.072, है ना, अपॉन रेडियस कितना है, अगर ये 4 है तो रेडियस 2 हो गया, 2 × 10⁻³, सब ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर आता है वो है 1.0132 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर इनसाइड, दिस विल बी इट्स आंसर, ठीक है। आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, आपको बस ये वाला यहां तक फिजिक्स खत्म हो गया, यहां तक ही फिजिक्स खत्म हो गया, बाकी तो सब मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है। क्या बात समझ में, एवरीवन गेट दिस पॉइंट, एवरीवन, ठीक है, ओके श्योर। अगर आपको कुछ डाउट है ना तो हम आज से क्या करने वाले, डाउट सेशन रखने वाले फ्रॉम 8 PM to 10 PM, आप अपने डाउट्स अपने हिसाब से पूछ सकते हैं ग्रुप में, आप क्या है ना वो डाउट सेशन रहेगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उस हिसाब से आप वहां पे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके श्योर। और एक प्रॉब्लम देखते हैं, है ना, थोड़ा कैपिलरी पे आते हैं,
ओके चलो, उन्होंने पूछा है द राइज ऑफ वाटर इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm इज 5.5 cm, है ना। एक 0.1 mm की कैपिलरी है और उसमें उन्होंने बोला है वाटर जो है वो राइज हो रहा है 5.5 cm, ठीक है। कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इन ए कैपिलरी ट्यूब ऑफ डायमीटर 0.1 mm, है ना। तो उन्होंने ये कैपिलरी मान लेते हैं, ये कैपिलरी वन है और ये है मेरी कैपिलरी टू, ठीक है। तो इसमें इन्होंने रेडियस जो दी हुई है वो है 0.1 mm दी हुई इसकी, और यहाँ पे हाइट जो दी हुई है वो क्या है 5.5 cm, ठीक है। और दूसरी की डायमीटर दी हुई है, डायमीटर दी हुई है 0.1 mm, और उन्होंने पूछा इसमें कितनी रेज होगी वाटर, ठीक है। तो आपको सिंपली निकालना है, मैंने बोला था आपको जो फॉर्मूला रहता है एच का फॉर्मूला क्या रहता है बताओ जल्दी बताओ। दैट इज एच इक्वल टू 2t cos θ अपॉन रो जी इंटू आर, यही था, ठीक है। तो यहां पे अगर एच इंटू आर लिख दू तो 2t cos θ अपॉन रो जी हो गया। अब यहां पे दिखाओ, अगर वाटर है आपको कोई एंगल नहीं दिया हुआ है तो मैंने बोला था जीरो लेना है, तो ये टर्म जीरो होगी मतलब ये वन होगी। सरफेस टेंशन अगर वाटर है सेम लिक्विड के लिए सरफेस टेंशन क्या रहेगा, क्या सेम ही रहेगा। वॉट अबाउट रो, मुझे पता है वाटर का जो डेंसिटी है वो सेम ही रहता है तो वो भी चेंज नहीं होगा और जी भी सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ एच आर मेरा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट होगी पूरी की पूरी टर्म, ये कांस्टेंट होगी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं एच वन आर वन इक्वल टू एच टू आर टू लिख सकता हूँ, क्योंकि एच टू आर टू भी तो कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो एच वन आर वन कितना हो गया 5.5 × 0.1 विल बी इक्वल टू एच टू मुझे निकालना था। अगर डायमीटर 0.1 mm है तो मेरी रेडियस कितनी रहेगी 0.05 mm, उसकी हाफ, ठीक है। अब मैंने यहां पे सेंटीमीटर को mm के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला बताता हूं। देखो ये सेंटीमीटर है mm, ये भी किस में है, ये जो रेडियस दी हुई ये mm में दी हुई, तो ये mm mm के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं, तो मेरी हाइट जो आएगी वो डायरेक्टली सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो 5.5 × 0.1 / 0.05 विल बी इक्वल टू एच टू, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 10⁻², हो जाएगा है ना, और ये भी 10⁻², तो वो कैंसिल हो तो ये 11, एच टू जो रहेगा वो रहेगा 11 cm, बस बात खत्म, और क्या है इसमें। ओके श्योर, मतलब आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है, अगर मैंने रेडियस कम कर दिया तो हाइट क्या होगा और बढ़ेगा, है ना। रेडियस अगर मैंने कम कर दिया, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हाइट और रेडियस, हमेशा याद रखना हाइट और रेडियस हमेशा कैपिलरी राइज में इनवर्सली रहती है, जो वाटर के लिए वैसे ही मर्क्यूरी के लिए भी रहेगी, अगर मर्क्यूरी लूंगा तो और नीचे जाएगा, उसके पूरा उल्टा का उल्टा मतलब पूरा उल्टा प्रोसीजर होगा, ठीक। ओके फाइन, और एक प्रॉब्लम लेते हैं, है ना। आपको एक फिल्म दी हुई है ना, एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है और उसमें सेमी सर्कुलर, और आपको पूछा गया है व्हाट इज द सरफेस टेंशन, है ना। इन्होंने ऐसी फिल्म दी हुई है, ठीक है, यहाँ पे ऐसी कुछ फिल्म है वाटर की, है ना, और इसका जो लेंथ दिया हुआ है 30 cm दिया हुआ है, ठीक है, ये 30 cm, और यहाँ पे वेट अटैच कर दिया समथिंग जिसका वैल्यू है 1.5 × 10⁻², 1.5 × 10⁻², यू विल हैव टू फाइंड आउट द सरफेस टेंशन, दिस इज सोप फिल्म, दिस इज माय सोप फिल्म, सरफेस टेंशन निकालना है, कुछ है ही नहीं भाई इसमें, मुझे बताओ। जब मैंने बोला था सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या रहती है, बताओ सरफेस टेंशन की डेफिनेशन बताओ जल्दी,
फोर्स पर यूनिट लेंथ यही रहता है। अब यहाँ पे फिल्म है तो कितने कितने नंबर ऑफ सर्फेसेस फॉर्म हुई, कौन से, अब मुझे बताओ जो टेंशन लग रहा है वो कौन से सर्फेस पे लग रहा है, कौन से सर्फेस पे लग रहा है, खाली इस पे लग रहा है, इस लेंथ पे लग रहा है W, ठीक है। तो क्या आप निकाल सकते हो, सो यू हैव टू फाइंड आउट सर्फेस टेंशन, ठीक है। तो निकाल, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कितना दिया, फोर्स कितना 1.5 × 10⁻², और लेंथ कितना होगा 30 × 2 × 10⁻², बस खत्म। 2 क्यों लिया मैंने, क्योंकि फिल्म दो फिल्म है वहां पे, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना था और तो कुछ था ही नहीं उसमें, ठीक है, ओके, गॉट इट। चलो तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, तो इसको 15 × 10⁻³ लिख सकता हूँ, और ये 30 × 2 × 10⁻², ठीक है। तो ये हो गया 2, तो 4, तो 1/4 × 10⁻¹, तो क्या हो गया 0.25 × 10⁻¹ रहेगा, ठीक है ना बेटा, ठीक है, 0.25 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर, बस खत्म प्रॉब्लम, ओके। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग ए सोप बबल ऑफ रेडाई इन द रेशियो 3:5। सोप बबल दिया हुआ है 3:5 के रेशियो, आपको क्या करना है, कंपेयर करना है वर्क डन। तो योर फर्स्ट ऑप्शन इज 9/16, बी इज 9/25, सी इज 25/9, एंड डी इज 25/16। सो व्हाट विल बी द आंसर, ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ वर्क डन, है ना, रेशियो ऑफ वर्क डन निकालना है। कुछ भी नहीं है भाई इसमें, मुझे बताओ सरफेस टेंशन क्या रहता है, सरफेस टेंशन क्या रहता है, एक दूसरा डेफिनेशन वर्क डन पर यूनिट एरिया, और यही रहता है। तो मैं यहां से वर्क डन को एरिया इंटू सरफेस टेंशन बोल सकता हूं, अगर इसका रेडाई का, ये रेडाई का ही, हाँ ठीक है, ये रेडियस का ही रेशियो दिया हुआ, दिस इज R1/R2 विल बी इक्वल टू 3/5, ये दिया हुआ। तो अगर रेडाई का रेशियो है तो एरिया क्या रहेगा, π r1² / π r2² एरिया का रेशियो। तो W1/W2 क्या रहेगा, A1T/A2T got cancel, तो A1/A2 ही रहेगा, ठीक है। तो A1/A2 क्या मैं π r1² / π r2² TT सेम क्यों रहेगा, क्योंकि एक ही सोप बबल है ना, एक ही नेचर का, तो सरफेस टेंशन एक ही लिक्विड में लिया है, तो सरफेस टेंशन तो सेम ही रहेगा। तो R1² / R2² बताओ जल्दी, 9/25, बस खत्म, ऑप्शन नंबर बी आया कि नहीं, ठीक है, ओके। चलो और एक अच्छा क्वेश्चन अपन देखने वाले, मैं खुद से बनाया हुआ है क्वेश्चन, ऐसा मे भी क्वेश्चन आ सकता है जेईई मेन में, है ना, एमएससी सीटी में बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसके आने की, लेकिन ठीक है देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक क्या बोलते हैं कैपिलरी ले ली, है ना, एक कैपिलरी ली और इसको कंटेनर के अंदर डाला, है ना। मान लेते हैं कैपिलरी का जो रेडियस है वो है कितना ले लो, पॉइंट 5 mm लेता हूँ, 0.5 mm ले लिया, ठीक है, और सरफेस टेंशन लेता हूँ मैं वाटर का, यहाँ पे वाटर है, इसका सरफेस टेंशन मैं लेता हूँ 0.072 N/m, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, ये रेडियस दिया हुआ है 0.5 mm और ये सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.072 N/m, सो ले अब। तो मैंने क्या किया ना, इस कैपिलरी को निकाल दिया, कहाँ से, वाटर से,
और एयर में रख दिया है ना, आई हैव टेकन दिस कैपिलरी फ्रॉम द वॉटर और एयर में रख दिया, तो मुझे और मैंने ऑब्जर्व किया कि वाटर वैसे की वैसी है कैपिलरी में, वो फॉल नहीं हो रहा है। क्यों फॉल नहीं होगा? ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन के फोर्सेस लगेंगे इसमें, है ना। और आपको पता है वाटर हमेशा कॉनकेव सरफेस फॉर्म करता है, ऐसा ये मैंने बताया था आपको। मर्क्यूरी क्या करता है भाई? कॉन्वेक्स सरफेस, है ना। तो ये फॉल नहीं हो रहा है, तो आपको निकालना है कितने हाइट तक, उसकी हाइट कितनी रहेगी उस वाटर कॉलम की, वो निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि अपने को पता है h इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी इंटू आर, ये पता है। अब इसमें डिफरेंस क्या रहेगा? देखो यहां पे दो जगह सरफेस टेंशन काम कर रहा है, एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। क्या बात समझ में? मतलब यहां पे भी टी लग रहा है और यहां पे भी क्या मेरा टी लग रहा है, ठीक है। तो यहां पे अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो यहां पे भी थीटा हो गया है कि नहीं? तो ये हो गया मेरा टी कॉस थीटा और ये भी मेरा हो गया टी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये टी कॉस थीटा पूरे 2πr पे लग रहा है, तो मतलब टी कॉस थीटा मेरा दो बार लग रहा है, तो मुझे क्या इससे दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? और क्या बात समझ में? जैसे मैंने वहां पे डेरिवेशन किया था, वहां पे खाली एक ही टी कॉस थीटा था, लेकिन यहां पे क्या मेरे दो टी कॉस थीटा आ रहे हैं, तो दो आ रहे हैं, तो दो से मल्टीप्लाई करो ना भाई, क्या है इसमें लॉजिक ही नहीं है ज्यादा, ठीक। तो क्या हो गया? 4 इंटू टी, टी मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 0.072 इंटू कॉस ऑफ 0 1, रो रो कितना रहता है 10 to the power 3, जी रहता है 10 और रेडियस दिया हुआ 0.5 इंटू 10 to the power -3, बस खत्म, प्रॉब्लम ही खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको क्या करूंगा, 4 into 72, क्योंकि यहाँ पे 10 to the power -3 10 to the power -3 के साथ कट हो जाएगा, खाली 10 to the power 4 बचेगा नीचे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा? -4, तो ये रहेगा 0.0288 मीटर, 0.0288, और वीकेंस है 2.8 सेंटीमीटर और 28.8 mm, ठीक है। अगर मैं पूछता इसको खाली यहां पे अगर ऐसा होता हॉरिजॉन्टल सरफेस होता और इसको निकाल के अगर वैसा करता तो खाली इसका आधा आता, पूरा नहीं आता, क्योंकि सरफेस टेंशन एक ही वर्क करता वहां पे, लेकिन हालांकि यहां पे दो जगह लग रहा है तो दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस बात खत्म। चलो तो अपना सरफेस टेंशन चैप्टर खत्म हो गया। आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आज ग्रुप पे अपना डाउट सेशन चलेगा, आप कुछ भी पूछ सकते हो, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, सरफेस टेंशन का, या फिर सॉल्यूशन का केमिस्ट्री में, तो हर टीचर आपके लिए अवेलेबल रहेगा। थैंक यू।